हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गाउस नियम किसे कहते हैं, गाउस नियम क्या है। देखो, किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस तल से गिरे कुल आवेश की मात्रा Q का 1/एप्सिलॉन गुना होती है, एप्सिलॉन गुना होती है। क्या होती है भाई? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स से उस तल से गिरे कुल विद्युत आवेश की मात्रा का क्या होती है? 1/एप्सिलॉन गुणा होती है, ठीक है। और विद्युत आवेश वितरण और उसके व्युत्पन्न के कारण ये उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश वितरण जब होता है ना, तब ये उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। गाउस नियम विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है और कूलाम नियम इससे ज्ञात कर सकते हैं। और इसका सूत्र होता है φe इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और ई और एप्सिलॉन में फर्क होता है, ये तो ई यानी कि विद्युत क्षेत्र है और एप्सिलॉन होता है सी के अंदर ई उगाना, यानी कि ये सी है और इसके अंदर ई उगा दो तो ये एप्सिलॉन होता है और एप्सिलॉन अलग होता है, ठीक है ना, ये अलग होता है। ये हो गया गाउस नियम। थैंक यू फ्रेंड्स।